हमारे देश की वीर सेना ने हमेशा देश पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे पाकिस्तान हो या चीन। मुश्किल आने पर कभी भारत की सेना ने पीठ नहीं दिखाई। यूं तो भारत के इतिहास में ऐसे कई बलिदान हुए जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज है 11 जुलाई तो हम बात करेंगे आज ही के दिन दुनिया को छोड़ महाप्रस्थान करने वाले परमवीर सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबर राणे के। 1948 में कबायली हमले का जवाब भारतीय सेना ने खूब दिया था। नौशेरा में विजय का परचम लहराने के बाद अब अगला लक्ष्य था बारावली रिज, चिंगास और राजौरी तक पहुंचना। मगर राह आसान नहीं थे, एक तो भौगोलिक स्थिति और दूसरी जगह जगह बिछाए गए बारूद। ऐसे में जबकि किसी आम इंसान के माथे पर शिकन नजर आती और पसीने छूटने लगते हैं, उस स्थिति में एक भारत के सैनिक ने बीड़ा उठाया रास्तों को साफ करने का, जिस दौरान उन पर और उनके साथियों पर लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, जिसमें कई सैनिक भी शहीद हो गए थे। लेकिन एक परमवीर डटे रहे और वो थे सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबर राणे। कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन यानी 72 घंटे बिना खाए और बिना सोए पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी थी। आखिरकार जिस काम में वे लगे थे उसमें सफलता हासिल कर ही ली। आइए आज जानते हैं साहस और बहादुरी के पर्याय राम राघोबर राणे के बारे में। परमवीर राम राघोबर राणे का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव हावेरी में रहने वाले एक पुलिस कर्मी के घर हुआ। उनके पिताजी का नाम राघोबा पी राणे था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही हिलोरे मार रही थी। महज 12 साल की उम्र में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन देखा तो वो भी इसका हिस्सा बनने के लिए आतुर हो गए। हालांकि इसके लिए उन्हें पिताजी की रजामंदी नहीं मिली। परमवीर राम राघोबा एक बार मन मार कर तो रह गए, लेकिन देशभक्ति कहाँ मानने वाली थी। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही था। असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए तो जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखा। सेना का जो सपना देखा था उसे 22 साल की उम्र में पूरा किया। 10 जुलाई 1940 को राणे ब्रिटिश भारतीय सेना की बॉम्बे इंजीनियर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए। बर्मा बॉर्डर पर जापानियों से दो दो हाथ कर उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें पदोन्नति मिली और वो सिपाही से JCO यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गए। साल 1948 में कबालियों का जम्मू कश्मीर पर हमला हो गया, लेकिन भारतीय सेना ने कबालियों के छक्के छोड़ा दिए। मगर डूबता बिच्छू भी डंक मारना नहीं छोड़ता। दुश्मन ने भी अपनी हार की भड़ास उतारी और पीछे तो हट गए, मगर राजौरी और पुंछ के बीच मौजूद नेशनल हाईवे को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे में भारतीय सेना के लिए चुनौती थी कि वो नौशेरा से होते हुए राजौरी कैसे पहुंचे, जहां दुश्मनों का कब्जा था। भारत के सैनिकों की सूझबूझ और रणनीति से 8 अप्रैल 1948 को राजौरी में दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन नौशेरा अभी बाकी था। नौशेरा पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और इस पूरे रास्ते को पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा कर रखा था। पर ऐसी विकट परिस्थिति में राणे ने अपने साथियों के साथ बारूद का सफाया कर अपने टैंकों के लिए रास्ता बना दिया। ये काम आसान नहीं था। उनके कमांडर ने लीडिंग टैंक से उन्हें कवर फायर दिया और वो खुद टैंक के नीचे लेटकर माइंस को साफ करने लगे। ड्राइवर को टैंक के लिए सुरक्षित रास्ता बताने के लिए राणे 2 रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे थे। राणे ने युद्ध के दौरान रास्ते में पड़ने वाले अवरोध और माइन क्षेत्रों का सफाया कर भारतीय सेना के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया, जिससे लड़ाई के लिए टैंकों को मोर्चे तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जाना संभव हुआ। उनके अदम्य साहस और अतुलनीय देशभक्ति के लिए उन्हें 8 अप्रैल 1948 को सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राम राघोबर राणे 1968 में सेवानिवृत्त हुए और 11 जुलाई 1994 को उनका निधन हो गया।
चकाचक एक्सप्रेस के लिए यह स्टोरी लिखी है शिवेंद्र ने। सत्य सटीक खबरों के लिए आप देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस। अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।